चारों भाइयों का मिलन देख भक्तों की आंखें भर आई। जय श्री राम के नारे से गूंजा पांडाल। सरई पड़खानी का ऐतिहासिक भरत मिलाप हुआ संपन्न। नमस्कार, मैं अनीस अख्तर, आप देख रहे हैं अनीस अख्तर ऑफिशियल। गोपीगंज सुसज्जित मंच पर गले मिले राम भरत की गई पुष्प वर्षा। गोपीगंज क्षेत्र के सरई पटखानी गांव का ऐतिहासिक भरत मिलाप रविवार की देर शाम संपन्न हुआ। इस दौरान फूलों से सुगंधित मंच पर राम भरत सहित चारों भाइयों का भावपूर्ण मिलन देख लोगों की आंखें छलक पड़ी। जय श्री राम के नारों के साथ पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले रावण वध व पुतला दहन का कार्यक्रम विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। दशमी मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। दशमी मेले को लेकर रविवार को दोपहर बाद से ही लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी। जैसे ही रामलीला मंचन का शुरुआत हुआ, भीड़ लगने लगी। इसके उपरांत राम रावण में भीषण संग्राम होता है। युद्ध का जीवन चित्रण देख लोग जय श्री राम का उद्घोष करने लगते हैं। रावण वध के साथ ही उसके पुतले में आग लगा दी जाती है। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी होती है। राम के अयोध्या लौटने पर चारों भाइयों का अद्भुत मिलन होता है। इनके मिलन पर लोगों ने जमकर पुष्प वर्षा की। राम के राज्याभिषेक के साथ ही रामलीला समाप्त हो गया। इस दौरान आयोजित मेले में तरह तरह की दुकानें सजी थी। चाट पकौड़ी खिलौने की दुकानों पर खूब भीड़ रही। रामलीला और भारत मिलाप संपन्न कराने में रविंद्र पाठक, तारकनाथ पाठक, करेचंद पाठक, विजय पाठक, श्याम सूरत, यश पाठक सहित भारी संख्या में लोग रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको सच्ची और पक्की खबरें लाते हैं।